समाज का दस्तूर ये कहता है कि अब हम कभी नहीं मिल सकते। समाज की ऐसी की तैसी। हमने यकीन रखते हैं ये समाज, ये नियम, कायदे, कानून, इन सब में कुछ नहीं। मोहब्बत करते हो उससे? खुद से भी ज्यादा। तो बस तोड़ दो बेड़ियां, तोड़ दो ये नियम और छीन के लेके जाओ समाज की आंखों के सामने। हम तुम्हारा साथ देंगे। हम धन्यवाद किसी को कुछ ना बताने के लिए। लेकिन मैडम ये क्या है? ये बंटवारा, बंटवारा किसी की खुशियां और अपनों को ले गया तो किसी को बहुत सारा दुख और जख्म दे गया। ये दाग नफरत की आग में फंसी एक बहुत मजबूर लड़की की कहानी है। शुक्र तो सिर्फ इस बात का है कि वो ये दाग सिर्फ मेरी कलाई पर बना पाया, मेरी आत्मा तक नहीं पहुंचने दिया मैंने इसे। और ये सब बात मैंने वीर साहब को शादी से पहले ही बता दी थी। बहुत दुख झेला तुमने, तो चिंता मत करो बेटा, दुख के बाद सुखी आता है ना। लेकिन बेटा, हालांकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है बेटा, लेकिन फिलहाल इसे छुपा के रखने में हम सबकी भलाई है। गलनी जी तो इसे अन्यथा ही लेंगी, लेकिन अगर पार्टियां विपक्ष में से किसी को भी खबर भी पड़ गई इसकी ना, तो चुनाव पर असर पड़ सकता है। और ताले की एक चाबी जरूर होती है। एजेंट, अरे ये क्या है? दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा था। अमृत फारूक अंसारी, सवाल है। बहुत अच्छा हुआ जिसने जो लिखा है वो उर्दू में नहीं लिखा, वरना पढ़ने में दिक्कत हो जाती है ना। अब इतनी साफ और मोटी लिखाई पे अगर भाभी सा की नजर पड़ गई या फिर उन्हें किसी ने बता दिया तो अब क्या होगा? तुम वीर का पता लगाओ और उसे तैयार होने को कहो। पार्टी के लोग आते होंगे, मैं मोहन जी को देखता हूँ। तुम चिंता मत करो, जाओ जाओ। आप सब लोग यहाँ पे गार्डन में इंतजार करिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। वीर, वीर, हाय रब्बा, वीर। काश ये हो पाता, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। वीर साहब, क्या वीर साहब लगा रखा है? हाँ, उम्र क्या है तुम्हारी? 25। 25 और हम 27, तो हम हुए ना बड़े। तो हम बड़े भाई और तुम छोटे भाई। आपकी तो मार भी किसी की याद दिला देती है जी। वीर साहब आप यहां हैं? सभी लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं आपको। चलिए हमारे साथ। हमें कौन ढूंढ रहा है? हाँ, हमारी माँ या रानी नलिनी देवी? जी वो भी परेशान है और बहू रानी भी परेशान है। बहू रानी को बहुत डांट पड़ रही है बिना बात की।
ऐसा है क्या? आप चलिए, हम आते हैं। उठे भाई, जिंदगी में दोबारा हम जरूर मिलेंगे, पर इस वक्त हमारा जाना जरूरी है। क्या ना, हमारे पापों का प्रायश्चित कोई और करे वो हमें मंजूर नहीं। ये लीजिए आपकी अमानत। ख्याल रखिए। आशा करता हूं कि तुम अमृत का ख्याल रखोगे। जाते जाते ये तो देख कर ही जाऊंगा। क्यों उसका छूना इतना अपनापन सा लगता है? क्यों उसका स्पर्श मुझे इतना जाना पहचाना सा लगता है? क्यों उसके आने से सारी दुनिया तो रुक जाती है लेकिन धड़कनें इतनी तेज हो जाती है? कौन है वो? क्यों वो अपना चेहरा हर वक्त उस पर्दे से ढककर रखती है? हमारी शक्ल देखने के लिए भी पैसे लगते हैं। क्यों उसके पास होने से लगता है कि जरूर उस पर्दे के पीछे कोई अपना है? अगर वो मुझे उसका चेहरा देखना है। धन्यवाद, जुबान बंद रखो। नंदिनी जी वैसे भी बड़ी परेशान है। नंदू, मैं काम करूं। क्या? अमृत को गार्डन में लेके आओ, बैकयार्ड। लेकिन वीर? वीर आ चुका है। क्या? बाहर खड़ा हुआ है भाई। तुम उसको अच्छी तरह से जानती हो कि नहीं जानती हो? हाँ। तुम अमृत को लेके आओ, मैं वीर को लेके आता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है। बात तो बाहर निकलेगी और ऐसी निकलेगी, संभाले संभली नहीं जाएगी। श्री श्री विजेंद्र सिंह जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।